वेडिंग uh, uh, मेरी कजन की शादी थी तो वहाँ पर हम मिले mm. और uh, बस आई थिंक फैसल वॉन्टेड टू सेटल डाउन और उस वक्त uh, मेरा कुछ ऐसा वो सीन नहीं था बट ही अप्रोच्ड एंड देन आई वॉज लाइक मुझे थोड़ा सा वही फियर था यू you नो know? वो जो एक चीज़ होती है कि शोबे से क्योंकि क्योंकि मेरी फैमिली में कोई शोबे से नहीं था कोई उस तरह से कोई बैकग्राउंड नहीं था कुछ भी नहीं था तो आप एक बिल्कुल बाहर से आए तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी एक थोड़ा सा मेरे लिए शुरू में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती थी ना। ना। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स को भी यही कंसर्न था

यही शोबिस वाला सीन था कि ये रिलायबल नहीं होते लोग आपको पता है जनरली अप्रोच यही होती है कि पता नहीं किस तरह से होते हैं लोग क्या होते हैं तो वही बात थी और आपका कोई बैकग्राउंड ना हो तो फिर तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट या। तो माई खाला कन्विंस माय खाला वाज लाइक कि मेरी तो फ्लाइट है दस दिन में तो मेरे होते होते शादी करें <laughs> तो बस उस तरह से हमने डिसाइड किया कि निकाह होगा बट निकाह वाला दिन जैसे ही निकाह हुआ ना फैसल कहते हैं तो उसको लेके जा रहा हूँ

You're coming in from a from a background that's not used to the limelight mm -hmm. and ekdam se you're thrown like I said ki you didn't even get time to get to know him mm -hmm. or anything and then ekdam se you were thrown into yeah मुझे तो पहले फैसल को ही थोड़ा सा आपको पता है शादी चाहे आपकी सेलेब्रिटी से हो या किसी से भी हो आपको थोड़ा सा time लगता है to adjust yeah to settle down तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था और ज़्यादा टाइम तो यही अंडरस्टैंड करने में लगा था कि इनके वर्क आवर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और मुझे कभी शौक़ नहीं था लाइम में आने का मुझे अभी भी उस तरह से नहीं है बट आई लाइक इट द वे यू नो कि उस पर्पज से शादी नहीं हुई थी यू नो कि आप किसी को आप ये सेलिब्रिटी से शादी होगी है तो आप लाइम लाइट में आ गए तो आप कुछ भी कर लें नो हाँ। no.

इवन इफ द प प प प प प प पर्सन इज नॉट डूंग एनी थिंग रॉन्ग तो आपको कुछ चीज़ें वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा उसमें फैसल ने मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने एक चीज़ किया था कि वाई डोंट यू कम टू द शूट शूट पर आ जाए करो और जबकि मैं फिर भी नहीं जाती थी शूट पे लेकिन ऑब्वियसली अच्छा। आपको ये चीज़ पता है अच्छा कभी भी मैं बहुत कम शूट पे जाती हूँ और अभी भी अब तो इसलिए थोड़ा सा जाना हो जाता है क्योंकि बच्चे होते हैं फैसल बैक टू तो बैक अगर शूट पे तो इज मिसिंग किड्स बच्चे स्कूल से आ गए हैं नैप लेके उठ गए हैं शाम को थोड़ा सा फ्री टाइम है तो इनको कहीं कहीं जाना है तो आप शूट पे मैं थोड़ी देर के लिए इनको ले जाती हूँ तो दैट इज नाइस लेकिन शुरू में उन्होंने मुझे कोई चीज ऐसी फील नहीं होने दिया कि मुझे कोई चीज फील होती थी तो वो मुझे उसको कम्फर्टेबली उसका यू uh, नो you know, कि मुझे ऐसे फील कराना कि ऐसी कोई बात नहीं है लॉट वो तो शी शीज टेन ओल्ड उसको तो शी नोज अ लिटिल रमजान ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट भी उसने लास्ट ईयर किया था सो so, या yeah, she... <laughs> <Yes. laughs> उसको शौक शौक उस पर थोड़ा, थोड़ा सा शौक है पर इतना नहीं नियम मूडी है और फरमान इज लाइक ओ बाबा बा टीवी पे बाबा आ जाए तो ही हैज टू और कोई चैनल चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा बाबा ही लगे होंगे जब तक वो खत्म खुद नहीं होगा Achha, then, like, like i wanted to talk to you about ki, you've carved an entire space out for yourself mm -hmm. um, how did that come along like when did you start uh, blogging and when did you start like you know your instagram page and how did that whole thing come about i started it about like five six years ago and uh, just by putting you know maybe seven years ago by putting my daughter's pictures and you know uske मैं उस तरह की ब्लॉगिंग तो नहीं करती हाँ। लेकिन मेरी मोस्टली ब्लॉगिंग मेरी स्टोरीज़ पे हाँ। होती है ना एंड आई टेल पीपल कि वट आई एम डूइंग वट एम अबाउट टू डू और इस तरह की चीज़ें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है हाँ। अब तो मैं सोचे उसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनली हूँ बिकॉज़ फरमान इज़ ग्रोइंग और फरमान की चीज़ें इतनी इन्जॉय करते हैं एंड आई एम ऑल्सो इंजॉइंग एज अ मदर

तो आप उनको लें जिनके बच्चे हैं यू यू नो नो आई थिंक या मैटर बट मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ये चीजों को अवेयरनेस इस तरह की छोटी छोटी चीजें और yeah. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें hmm. तो वो इट्स वेरी वेरी मच फन एंड इंटरेस्टिंग अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो सरा के बारे में इन्होंने मुझे बताई और मैंने फिर मैं बहुत इंट्री हुई और मैं तो इस बारे में बात अब करूंगी इसके इनको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है और गाड़ी से ये नहीं कि वो कराची में निकल जाएंगी कि यहाँ से डॉलमन मॉल चले गए no, नो no, नो no, नो no. नो ये निकलेंगी बच्चे लेके लाहौर चली जाएंगी खुद ही अकेली ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलाती हुई yeah, yes, yes. बस पागल होता है ना थोड़े से आई स्टार्टीन ईयर so we that's didn't not have, safe i know uh, that's very unsafe very unsafe and uh...

तो उस चक्कर में सो so, और जहाँ तक ये बात है यस आई लव ड्राइविंग आई इन्जॉय दैट और अभी मैं फैसल को भी यही कही थी मेरा बहुत दिल कर रहा है मौसम बहुत अच्छा है मुझे ट्रैवल करना है गाड़ी पर फैसल के, चुप करके बैठ जाओ तो मैं